आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनाटॉमी ऑफ थोरेसिक सर्जिकल अप्रोचेस एंड चेस्ट इंट्यूबेशन। के फर्ज करें, जब भी आपको चेस्ट को किसी बीमारी की वजह से या किसी सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपको चेस्ट को ओपन करना पड़े, तो आप किस किस अप्रोच के जरिए जो है ना वो चेस्ट में एंट्री हासिल कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा मीडियास्टिनोस्कोपी। मीडियास्टिनोस्कोपी नाम से जाहिर हो रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ एंडोस्कोपिक स्टडी ऑफ मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम जो है वो हमारे जितने भी थ्रेसिक कैविटी है ना, इसके अंदरूनी जितना भी हिस्सा है, इसको हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। ठीक है, अदर देन हार्ट, तो बाकी जितना भी हमारे थ्रेसिक कैविटी के अंदर जितना भी कैविटी है उसको हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या स्कोप यूज करते हैं, मीडियास्टिनोस्कोपी। ए स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द मिड लाइन ऑन द नेक जस्ट अबव द सुप्रा स्टर्नल नॉच। ये हमारी जो बिल्कुल सेंटर में स्टर्नम के ऊपर एक आपको डिप्रेशन सी नजर आते हैं बिल्कुल नेक के नीचे, इसे हम लोग सुप्रा स्टर्नल नॉच कहते हैं। एंड द सुपीरियर मीडियास्टिनम इज एक्सप्लोर्ड। मेरे ख्याल में ये टॉपिक मैंने मिस हो गया, किस दिन आपको ये भी पढ़ा देंगे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे सुपीरियर मीडियास्टिनम कहते हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाता है डाउन टू द रीजन ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रिक, यानी कि यहाँ से कट लगाया जाता है और नीचे उस लेवल तक आया जाता है जिस लेवल के ऊपर आके ट्रिकिया दो हिस्सों में डिवाइड होती है। आपको पता है उस जगह को जहाँ पे ट्रिकिया दो हिस्सों में डिवाइड होती है उसको हम कैरिना कहते हैं। तो कैरिना के लेवल के ऊपर आ तक आपने उसको मीडियास्टिनम को ओपन कर देना है कट की वजह से, एक इंसिजन देके। अच्छा, इसका फायदा क्या है? दिस प्रोसीजर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायग्नोसिस एंड डिग्री ऑफ स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस। तो ये ब्रोंकस का अगर वो कैंसर फैल चुका है हमारे लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उस कैंसर को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम लोग ये इंसिजन देते हैं ये सुप्रा स्टर्नल नॉच के ऊपर नेक के अंदर। ठीक है, मीडियास्टिनोस्कोपी। उसके बाद आ जाता है न्यूमोथोरक्स। ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको आपने समझना है, बहुत कॉमन है ये, आपके इमरजेंसी एक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी टाइम अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप डील कैसे कर सकते हैं। और अक्सर ये फेसबुक के ऊपर एक वीडियो भी जो है ना वो बड़ी मशहूर हुई थी, एक बच्चा जैसे वो यंग MBBS था, उसने कैसे वो थोरक्स को ओपन करके उसको जो है बचाया था। है न्यूमोथोरक्स क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज और इंजरीज, स्टैब और गन शॉट वाउंड्स, किसी इंजरी की वजह से, चोट की वजह से या गन शॉट वाउंड्स की वजह से, एयर कैन एंटर द प्लूरल कैविटी। जो हमारी प्लूरल कैविटी है जिसमें लंग्स की कैविटी है, जो लंग्स की कैविटी है वहां पर एयर एंटर हो जाती है फ्रॉम द लंग्स, या तो लंग्स जो हम इनहेल किए होती है वो एयर, और थ्रू द चेस्ट वाल या जो इर्द गिर्द की चेस्ट वाल है वहां से एयर यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। तो याद रखें सिंपल डेफिनेशन क्या है कि दैट एयर कैन एंटर इनटू द प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स। अब जब लंग्स की प्लूरल कैविटी में एयर एंटर हो जाएगी, चाहे वो अंदर से आई हो लंग्स से चूंकि हम लोग इनहेल की होती है या इर्द गिर्द से, उसको हम लोग न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। इन द ओल्ड ट्रीटमेंट ऑफ TB या ट्यूबरक्लोसिस, air was purposely injected into the pleural cavity to collapse and rest the lung. ठीक है, उसमें क्या करते थे, उसमें air को खुद डाला जाता था TB के treatment के लिए pleural cavity में, ताकि जो pleural cavity है वो collapse हो सके और lungs को जो है ना वो rest मिल सके। इसको artificial pneumothorax कहते हैं, यानी artificial pneumothorax में हम लोग खुद air enter करते हैं pleural cavity में ताकि लंग्स को जो है ना वो रेस्ट मिल सके। इसकी जो टू टाइप्स हैं किसकी, आर्टिफिशियल न्यूमोथोरेक्स की, सबसे पहले आ जाएगा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। इट इज द कंडीशन इन विच एयर एंटर्स द प्लूरल कैविटी सडनली विदाउट इट्स कॉज बीइंग इमीडिएटली अपेरेंट, जिसमें एयर खुद ही, ये न्यूमोथोरेक्स की टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की नहीं, न्यूमोथोरेक्स की, जिसमें एयर अचानक जो है ना वो लंग्स में प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाती है, इसकी कॉज का भी पता नहीं चलता। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज यूजुअली फाउंड दैट एयर हैज एंटर्ड फ्रॉम अ डिजीज्ड लंग एंड अ बुला या ब्लब हैज रप्चर्ड, क्योंकि एयर का कोई लंग्स का कोई पोर्शन है जो कि रप्चर हो चुका है,
उस वजह से जो है वो एयर जो है वो लंग्स के अंदर से आके प्लूरल कैविटी में एंटर हो गया, ऐसे स्पॉन्टेनियस नहीं होता, अचानक जो है ना वो हमारा जो प्लूरल कैविटी है वो फिल अप होना शुरू हो जाती है गैस से। उसके बाद आ जाते ओपन न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है कि अगर कुछ चोट लग जाए, कुछ स्टैब वोंड बन जाए, थ्रेसिक वाल में पीर्स द पैराइटल प्लूरा, और इतनी जोर से वो चाकू लग जाए या कुछ जख्म बन जाए या इंसान गिर जाए सम टाइप किसी भी इंजरी की वजह से कि वो जाके सीधा प्लूरल कैविटी तक चला जाए, तो प्लूरल कैविटी जो है वो ओपन हो जाती है, बाहर की हवा वहां पे आके आ जाती है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओपन न्यूमोथोरैक्स। तो दोनों में फर्क समझ लो कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ने एयर अंदर वाले लंग से ही प्लूरल कैविटी में आती है, ठीक है, और जो ओपन न्यूमोथोरैक्स है उसमें एयर बाहर किसी जख्म की वजह से जो है ना वो एंटर हो जाती है प्लूरल कैविटी में। ईच टाइम द पेशेंट इंस्पायर्स, जैसे ही वो पेशेंट इंस्पायर करता है, सांस लेता है, इट इज पॉसिबल टू हियर एयर अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर बीइंग सक्ड इनटू द प्लूरल कैविटी। एयर जो कि हम लोग नाक के जरिए अंदर लेके जाते हैं, अब जाहिर एक और रास्ता उसको मिल गया है, वो क्या है, बाहर वाला। तो बाहर से एयर जो है ना वो वहां से एटमोस्फेरिक प्रेशर के तहत वहां पे प्लूरल कैविटी में एंटर होगी और वहां पे वो न्यूमोथोरैक्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते। उसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये बहुत डेंजरस कैटेगरी है। समटाइम्स द क्लोदिंग एंड द लेयर्स ऑफ द थ्रेसिक वाल, की जो थ्रेसिक वाल है उसकी लेयर जो है कंबाइन टू फॉर्म अ वाल सो दैट एयर एंटर्स ऑन इंस्पायरेशन बट कैन नॉट एग्जिट थ्रू द वुंड। एयर हम लोग जब सांस लेते हैं अंदर तो आ जाती है, लेकिन इतना प्रेशर होने की वजह से, इतना टेंशन न्यूमोथोरक्स होने की वजह से हमारे लंग एक्सपायर नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब लंग्स एक्सपायर नहीं कर पाते तो एयर बजाय इसके कि नॉर्मल रास्ते से बाहर आए, वो उस वुंड से बाहर जाना शुरू हो जाती है या उस एयर अंदर ही रहती, सॉरी एयर जो है इंस्पिरेशन की वजह से अंदर तो आ गई है लेकिन एग्जिट नहीं कर पा रही। इन दिस सर्कमस्टांसेस एयर प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द वुंडेड साइड। तो क्या होगा कि हमने सांस लिया, एयर जितनी भी अंदर आई थी वो अंदर के अंदर ही रह गई, तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा and pushes the mediastinum towards the opposite side. तो हमारी जो सारी की सारी thoracic cavity है वो opposite side पे जाना शुरू हो जाएगी दूसरे lungs की तरफ। In this situation, a collapsed lung in an injured side and the opposite lung is compressed by the deflected mediastinum. इस वजह से क्या होगा कि lungs जो collapsed है या injured है वो दूसरे side की जाके lungs को compress करना शुरू कर देगा, क्योंकि mediastinum पूरी वो आपकी thoracic cavity उस pressure की वजह से दूसरे चली गई है, और ये एक डेंजरस कंडीशन है। इसे हम लोग टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, और आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि जी हमारे फेफड़ों के अंदर हवा बढ़ गई है, और ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन है। इसकी ट्रीटमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैं दोबारा बता रहा हूँ टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि इंसान इंस्पायर करके हवा तो अंदर तो सांस ले, ऑक्सीजन ले आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि वो उस वाउंडेड जगह के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जो लंग्स हैं वो एक्सपायर नहीं कर पाते, कंप्रेस नहीं कर पाते। अब उसका क्या नुकसान है कि जब लंग्स के गिर्द इतनी एयर इकट्ठी हो जाएगी तो आपकी सारी की सारी लंग्स इंस्पायर ही रहेंगे, एक्सपेंडेड ही रहेंगे, फूले हुए रहेंगे एक साइड का लंग्स, जिसमें भी प्रॉब्लम आया तो वो क्या करेगा, दूसरी साइड के लंग्स को जाके कह लो को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, और वहां पर भी जो कह लो के प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, पूरी की पूरी आपकी थ्रेसिक कैविटी में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और मीडियास्टिनम एक साइड पर चली जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये बड़ी डेंजरस कंडीशन। कुछ और भी हैं जिसमें हम लोग न्यूमोथोरैक्स में शामिल कर सकते हैं कि एयर इन द प्लूरल कैविटी एसोसिएटेड विद सीरस फ्लूइड। अगर हवा भी एंटर हो गया साथ पानी भी एंटर हो गया प्लूरल कैविटी में, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स। ये टर्म्स हैं, इसे याद रखें। अगर वहां पे पस भी आ जाए तो उसे पायो न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, एंड वहां पे ब्लड आ जाए तो उसे हीमोन्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो यानी प्लूरल कैविटी में अगर वाटर आ जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, अगर वहां पे पस आ जाएगी तो पायोन्यूमोथोरैक्स, और अगर वहां पे ब्लड आ जाएगा तो उसे हम लोग हीमोन्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और अगर अकेली पस आ जाए प्लूरल कैविटी में, वहां पे एयर ना हो, कलेक्शन ऑफ पस विदाउट एयर इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एन एम्पाइमा। एम्पाइमा कहते हैं कि जस्ट प्लूरल कैविटी में पस ही इकट्ठी होगी, एयर अभी इकट्ठी नहीं हुई, तो वो भी डेंजरस कंडीशन है, उसको हम लोग पायोमा कहते हैं।
the presence of serous fluid in the pleural cavity. इसके अलावा serous fluid, इनको serous cavity का fluid जो है ना वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए और वहाँ पे air ना हो उसे pleural effusion कहते हैं, और ये बहुत जो है कह लो कि important और dangerous condition है pleural effusion. बहुत common है उन लोगों में जो कि elders हैं, more than 80 years हैं, जिनके lungs properly work नहीं कर रहे, या जो जिनका निमोनिया हो गया है उन लोगों में भी ये चांसेस हैं कि उनकी जो फ्लूड है वो प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो जाए विदाउट एयर. उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्यूजन. ठीक है, उसमें क्या होगा कि प्लूरल फ्लूड जो है वो प्लूरल कैविटी से निकल के बाहर आ गया. ठीक है, तो वो लंग्स के गिर्द फैल जाएगा तो डेंजरस कंडीशन काज कर सकता है, और ये भी एक डेंजरस कंडीशन. उसके बाद आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट. तो हम लोग पढ़ रहे थे थोरैसिक सर्जिकल अप्रोचेस. सबसे पहले हमने पढ़ी क्लिनिकल की क्या उसकी वजह है जिस वजह से ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारा मतलब मेन इससे है. सबसे पहली ट्रीटमेंट है नीडल थोराकोस्टमी. ठीक है, नीडल थोराकोस्टमी, ये जो वर्ड है नीडल, नीडल कब कहते हैं उस नीडल होता है. थोराकोस्टमी थोरैसिक से निकला, और टोमी का मतलब जहां पर भी आएगा वो कट आएगा, इंसीजन आएगा. ठीक है, तो नीडल थोराकोस्टमी इज नेसेसरी इन पेशेंट विद टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जिनका टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्रिएट हुआ है अवे फ्रॉम द प्लूरल कैविटी टू अलाउ द लंग्स टू री एक्सपैंड. वहां से क्या होगा कि हम एक नीडल की मदद से वहां पे सारी एयर को निकाल लेंगे. ठीक है, और लंग्स जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएंगे और री एक्सपैंड हो सकेंगे, पर्सन की जान बचेगी. It may be necessary to withdraw a sample of pleural fluid for microbiological examination. या ये हो सकता है कि आप वहाँ से आप नीडल की मदद से एक सैंपल ले लें और उसको माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएं कि इसमें क्या क्या बैक्टीरिया है, क्या क्या वायरस है. टीबी केस में ऐसे होता है. एंटीरियर अप्रोच, फॉर द एंटीरियर अप्रोच द पेशेंट इज इन द स्पाइन पोजिशन. अब ये पॉइंट आपने याद रखना कि नीडल थोराकोस्टमी हम लोग करते कैसे हैं. इसमें द स्टर्नल एंगल इज आइडेंटिफाइड. स्टर्नल एंगल मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ. स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई किसे कहते हैं. इट इज द पॉइंट वेयर द मनुब्रियम स्टर्नम जॉइंस विद द स्टर्नल बॉडी ऑफ द स्टर्नम. वहां पे एक जिससे एक लाइन सी बनती है जिसे स्टर्नल एंगल कहते हैं. अपोजिट टू होगा ये फोर्थ टू फिफ्थ जो है वो थ्रेसिक वर्टेब्रा. तो आपने स्टर्नल एंगल को आइडेंटिफाई करना है. एंड देन द सेकेंड कॉस्टल कॉटिलेज, वहां से आपने सेकेंड कॉस्टल कॉटिलेज की तरफ जाना है, ये भी वही पॉइंट है. द सेकेंड रिब पे जाना है. एंड द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, वहां से फिर आपने सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाना है. मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन का मतलब यह है कि क्लेविकल के बिल्कुल मिड पे आके, यानी कि आपने सेंटर से पहले स्टर्नल एंगल को आइडेंटिफाई करना है, वहां से आपने लेटरल जाना है जिस तरफ को वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्रिएट है. ठीक है, वहां से सेकंड कॉस्टल कॉटिलेज की तरफ, और वहां से आपने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, रिब से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, और वहां पे आपने मिड क्लेविकुलर लाइन पे चले जाना. ठीक है, वहां पे जाके आपने क्या करना है कि वो नीडल को इंसर्ट करना है और नीडल से वहां से फ्लूड जो है सैंपल ले लेना है. उसके बाद क्या है ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स की ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी. उसके बाद है कि थोरेक्स की ट्रॉमेटिक इंजरी को, चोट लगने की वजह से थोरेक्स में इंजरी हो सकती है. सबसे पहले आ जाएगा फ्रैक्चर स्टर्नम, स्टर्नम ही फ्रैक्चर होगी. रिब कंटूजन, रिब को चोट लग गई है, ब्रूजिंग हो गई है, ट्रॉमा हो गया है, मोस्ट कॉमन रिब इंजरी है. रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है. फ्रैक्चर ऑफ रिब्स आर कॉमन चेस्ट इंजरीज इन चिल्ड्रन. द रिब्स आर हाईली इलास्टिक एंड फ्रैक्चर्स इन दिस एज ग्रुप आर देयरफॉर रेयर. इलास्टिक होते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो इनको टूटना जो है ना वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉसिबल नहीं है. फ्रैक्चर्स कम होते हैं बच्चों में. 5 to 10 are the most common fracture ribs. अच्छा, सबसे ज्यादा ribs में, 12 ribs में 5 से लेकर 10 तक जो है ना उनमें ज्यादा चांस है टूटने के, फ्रैक्चर होने के. द फर्स्ट 4 ribs आर प्रोटेक्टेड बाई द क्लेविकल, एंड उनके ऊपर जो है हमारे क्लेविकल होती है और पेक्टोरल मसल्स होते हैं, इसलिए इनके टूटने के चांस जो है ना पहले 4 के काम होते हैं. एंड बाई द स्कैपुला एंड एसोसिएटेड मसल्स, पोस्टीरियर कुछ मसल्स एंटीरियर भी होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं, पोस्टीरियर यहाँ पे स्कैपुला भी होती है, इसलिए पहले 4 ribs का टूटना काम चांसेस कम है. 5 से 10 रिब्स का जो टूटना ज्यादा कॉमन है. द 11th एंड 12th रिब्स फ्लोट एंड मूव विद द फोर्स ऑफ इंपैक्ट. और 11th और 12th आपको पता है कि वो अटैच ही नहीं होती, फ्लोटिंग रिब्स इनको कहते हैं, इसलिए इनका भी टूटना के चांसेस कम होते हैं. तो कौन से रिब्स के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, 5 to 10, क्योंकि इनमें प्रोटेक्ट, बाकी रिब्स की प्रोटेक्शन होती है.
एक लेटरल अप्रोच है जिसमें हम लोग उसी कंडीशन को डील करते हैं, टेंशन नहीं, मतलब ये थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई है। फॉर द लेटरल अप्रोच द पेशेंट इज लाइंग ऑन द लेटरल साइड, उसे लेटरल साइड पे यानी कि साइड स्प्लिट आ दिया जाता है। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन इज यूज्ड, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन यानी कि आपको नजर आएगी बकायदा। द स्किन इज प्रिपेयर्ड इन द यूजुअल वे एंड लोकल एनेस्थीसिया इज इंट्रोड्यूस्ड, वो जहर आपने सुन कर लेना जगह को, फिर वहां पे आपने नीडल डालनी है अब द बॉर्डर ऑफ द थर्ड रिब, थर्ड रिब के ऊपर। जैसे ही नीडल डालेंगे, जैसे ही नीडल डालेंगे तो उसको आप पीछे से उसका प्लंजर खींचेंगे तो एयर जो है ना अंदर से बाहर आ जाएगी, पेशेंट को एक रास्ता मिल जाएगा सांस लेने का, तो जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो बच जाए। ये दोनों ट्रीटमेंट है टेंशन न्यूमोथोरेक्स की। ये स्लाइड आपने बाद में इसे रीड करनी है, ट्रॉमेटिक इंजरी टू थोरैक्स। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट है ट्यूब थोरैकोस्टोमी। द प्रेफर्ड इंसिजन साइट फॉर ट्यूब थोरैकोस्टोमी इज द फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अच्छा, उसने हम नीडल डाल लिया, यहाँ पे एक ट्यूब डालेंगे एट द फोर्थ एंड फिफ्थ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखें, फोर्थ टू फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये भी याद रखें इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इंटीरियर एक्सिलरी लाइन का मतलब है कि एक्सिला की जो इंटीरियर लाइन है वहां पे, इसको एक स्मॉल इंसिजन की मदद से हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे इसको इंसर्ट किया गया है, आपने फोर्थ टू फिफ्थ रिब जो है ना वो करनी है, एक्सपोज करनी है, यहाँ से आप जो है ना एक इंसिजन जो है ना यहाँ पे दे के इसको इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही वो ट्यूब जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगी अंदर, अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ तो देख सकते हैं ये चीज, स्किन को उसके बाद आपने इंसिजन के बाद जब उसको क्रॉस कर लेना है तो ये देखें, सबसे पहले उसने स्किन को क्रॉस किया, फिर सुपरफिशियल फेशिया को क्रॉस किया, फिर वहां पर एक मसल होगा सेरेटस इंटीरियर ट्यूब उसको क्रॉस करेगी, फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को क्रॉस करेगी, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को क्रॉस करेगी, फिर इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स को क्रॉस करने के बाद इस जगह पे आ जाएगी, ये जगह कौन सी है, पल्यूरल कैविटी, ठीक है, हमारे लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि लंग्स के इमीडिएटली जो गिर्द है वो कौन सी है, वो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। जैसे इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल एक्सपोज होंगे तो ट्यूब हमने अंदर डाल दी, फिर बाहर आप इसका किसी सक्शन के साथ कनेक्शन करेंगे, अंदर से जितना भी एयर है फ्लूइड है सारे का सारा वो सक करके बाहर ले आएगी ट्यूब, और जो पेशेंट की जान जो है ना वो बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये विजुअल प्लूइड आ जाता है और लंग्स आ जाते हैं। तो ये आपने पिक्चर ड्रॉ भी करनी है, ये दोनों ये बहुत जरूरी है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे वो ट्यूब थोरैकोस्टोमी में जाएगी और कैसे कैसे जो है ना वहां से एयर सक होगी। तो सबसे पहले उसने स्किन को क्रॉस किया, सुपरफिशियल फेशिया को क्रॉस किया, फिर यहाँ पे मसल है फोर्थ टू फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में स्ट्रेटस इंटीरियर, क्योंकि इसकी यहाँ पे रीजन होती है, इसको क्रॉस किया, फिर उसने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को, इंटरनल इंटरकॉस्टल को और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल को क्रॉस करने के बाद ये देखें, यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स जा रही हैं, क्योंकि नर्व आर्टरी वेन जा रही है इसलिए हम लोग फोर्थ से फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आते हैं। नीचे भी नर्व्स आ रही हैं, आर्टरीज जा रही हैं, वेन्स जा रही हैं, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो ट्यूब की वजह से, क्योंकि अगर इनको डैमेज हो गया तो चांस है कि वो ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग काज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग फोर्थ से फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाएंगे, ये नर्व्स भी बच जाएंगे, आर्टरीज भी बच जाएंगी, तो हम लोग डायरेक्टली पल्यूरल फ्लूइड तक पहुंच के यहाँ से फ्लूइड को काट सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आ जाती है फ्लेल चेस्ट, इसका भी आप लोगों ने सुना होगा, ये क्रश इंजरीज में आ जाती है, नंबर ऑफ रिब्स मे ब्रेक, एक से ज्यादा रिब्स जब टूट जाती हैं, इफ अगर ये रिब्स टूट जाए एंड लिमिटेड टू वन साइड और एक ही साइड पे रहे, द फ्रैक्चर्स में अकर नियर द रिब एंगल्स, एंगल्स की तरह जो रिब एंगल्स होते हैं जब रिब घूमती ऐसे जाती है उस पॉइंट के ऊपर नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, मैंने आपको दिखाया था जब रिब्स पढ़ाए थे, तो रिब्स अगर टूट जाए एट द एंगल तो क्या होगा, सारी के सारे आपकी चेस्ट जो है वो एक साइड को, उस साइड की चेस्ट जो है ना वो लटक जाएगी, फ्लेल हो जाएगी, इस वजह से फ्लेल चेस्ट होता है, इन विच द सेक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल इज डिस्कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द थ्रेसिक वॉल, कि जो आपकी जो चेस्ट वॉल है वो रेस्ट ऑफ द थ्रेसिक वॉल से क्या लो सेपरेट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इफ द फ्रैक्चर्स अकर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टर्नम, अगर स्टर्नम के दोनों साइडों पे होगा तो स्टर्नम भी लटक सकती है, क्योंकि स्टर्नम के साथ ये दोनों रिब्स आके अटैच होती हैं, तो स्टर्नम में भी फ्लेल। फ्लेल चेस्ट क्या है कि अगर एक से ज्यादा एक साइड की रिब्स जो है ना वो इंजर्ड हो गई है
इंजर्ड होने की वजह से आप एंगल से टूट गए हैं, तो वो साइड जो है वो एक साइड के ऊपर उसकी उस चेस्ट वाल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी थ्रेसिक वाल से, उसको हम लोग फ्लेल चेस्ट कहते हैं। चलें जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।